Good morning, student. Welcome back, class 6. In the last video, we are discussing our chapter number 8 of the geography, that we are discussing two annual seasons, which is winter and summer. Now we can continue on with page number B17, advancing monsoon or rainy season. Today we are discussing about rainy season. What is rainy season? You all know that the rainy seasons will be start from June to September. This season start from the mid-June and last till the end of September. In this season, the southwest monsoon wind start blowing from the sea to land. जैसे आप लोगों को भी पता है, जो रेनी सीजन है वो कब स्टार्ट हो जाता है? जून में स्टार्ट हो जाता है. और कब खत्म होता है? सितंबर के एंड के अंदर खत्म होता है. इस सीजन के अंदर जो विंड है वो ब्लो करती है सी से लेके लैंड में. मॉनसून इज द सीजनल रिवर्स ऑफ द विंड सिस्टम ओवर इंडिया. इट ब्रिंग्स द रेन टू इंडिया. द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज नॉर्थ ईस्ट इन द विंड एंड साउथ वेस्ट इन द समर. ड्यूरिंग समर अ लो प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ प्लेन ड्यू टू हाई टेम्परेचर. जैसे मॉनसून सीजन में क्या होता है, जो विंड का मूवमेंट होती है वो क्या होती है? रिवर्सिबल मूवमेंट होती है. ये रेन को ब्रिंग करती है. जैसे जो डायरेक्शन है विंड की वो मूव करती है नॉर्थ से लेके साउथ में समर में. और विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया सेंटर्ड ओवर द साउथर्न इंडियन ओशन एंड ड्रोन टू द लो प्रेशर इन द नॉर्थ. और जो विंड्स होती है वो साउथ इंडिया से लेके साउथ इंडिया ओशन से लेके नॉर्थ इंडिया ओशन तक जाती है. एज दिस विंड ब्लो अक्रॉस द सी दे ऑब्जर्व अ ग्रेट डील ऑफ द मॉइस्चर. जैसे जैसे विंड मूव करती है तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड अप्रोच द इंडिया लैंडमास फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन. द मॉइस्चर लेडन विंड्स मूव फ्रॉम सी टू लैंड ड्यू टू द शेप ऑफ द इंडियन पेंसुलर विच इज डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस. अब जो विंड है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है. पहला पार्ट है द अरेबियन सी ब्रांच. अरेबियन सी ब्रांच क्या होता है? वेस्टर्न घाट्स होती है जो कि विंड्स को हैवी रेनफॉल देते हैं. जैसे कि एरियाज कौन से हो गए? केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया. और जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है. नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल. ये हैवी रेनफॉल को कॉज करते हैं. जैसे कि एरियाज हो गए, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए. और ये हैवी रेनफॉल होती है किसकी हेल्प से? गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, इनकी हेल्प से. दो पार्ट में ब्रांचेस डिवाइड है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अरेबियन सी ब्रांच में जो रेनफॉल होती है वो हैवी नहीं होती, कम रेनफॉल होती है. और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है? हैवी होती है. बोथ ऑफ द ब्रांचेज मीट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. ये दोनों जो ब्रांचेज हैं वो नॉर्थन पार्ट में मीट करती हैं. अ मेजर पार्ट ऑफ द एनुअल प्रिसिपिटेशन ऑफ द इंडिया इज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून. द साउथ वेस्ट मानसून विंड अराइव बाय द बिगनिंग ऑफ जून इन केरला एंड बाय मिड जुलाई इट कवर द एंटायर कंट्री. सबसे पहले जो विंड मतलब मानसून है वो कब स्टार्ट होता है? जून के बिगनिंग के अंदर स्टार्ट होता है केरला में. और जुलाई के एंड तक जाते जाते वो सारे कंट्री के पार्ट में पहुँच जाता है. द मानसून इज इरेगुलर एंड अनडिपेंडेबल. जो मानसून होता है वो इरेगुलर होता है और ये अनडिपेंडेबल होता है. देयर आर ऑफन ड्राई सेपल्स विद द रेनी पीरियड. दिस विंड्स कैन कॉज फ्लड्स इन वन पार्ट एंड ड्रॉट्स इन द अदर पार्ट ऑफ द सेम टाइम. और जो ये रेनफॉल होती है कई पार्ट के अंदर तो एकदम से मतलब इतनी बारिश हो जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है. और कई पार्ट के अंदर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती जिसकी वजह से ड्रॉट रहती है, मतलब सूखा पर रहता है. अब नेक्स्ट है लास्ट सीजन विच इज ऑटम सीजन, जो कि कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर से नवंबर में स्टार्ट होता है. द विड्रॉल ऑफ द मानसून फ्रॉम इंडिया इज फार मोर ग्रेजुअल देन इट साउंड. बाय अक्टूबर इट स्टार्ट लीविंग द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया. बाय नवंबर एंड इट लीव द कंट्री. जो मानसून सीजन होता है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर में कई पार्ट के अंदर और जाते जाते नवंबर तक मोस्टली ये सारा खत्म हो ही जाता है और कंट्री को छोड़ के चला जाता है. एज इट फॉलोज द मानसून सीजन इट इज कॉल्ड रिटेनिंग मानसून. जैसे ही मानसून सीजन को फॉलो करता है इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? रिटेनिंग सीजन भी बोलते हैं. बाय द एंड ऑफ द सितंबर द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन स्टार्ट शिफ्टिंग टू द साउथर्न हेमिस्फीयर. जैसे सितंबर खत्म होने लग जाएगा जो सन की रेज है वो डायरेक्ट इस पर आने लग जाएंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर पर आने लग जाती हैं. द लो प्रेशर ओवर द नॉर्थन प्लेन वीक्स द विंड स्टार्ट मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम लैंड टू सी. द ग्राउंड इज स्टिल मॉइस्ट इन द अक्टूबर. जो विंड है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी और जो ग्राउंड होता है वो क्या रहता है? मॉइस्ट रहता है. मतलब जो ग्राउंड होता है अक्टूबर में भी वो नम रहता है. द डेज हॉट व्हाइल द नाइट्स आर कोल्ड. जो दिन होते हैं उनमें तो गर्मी होती है पर जो रात होती है वो क्या होती है? ठंडी होती है.
द स्काई इज क्लियर, जो आसमान होता है वो क्लियर होता है, जो वेपोरेशन की रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या कॉज होती है, ह्यूमिडिटी कॉज होती है, इसलिए जिसको फिनोमिना को अपने क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट फिनोमिना भी बोलते हैं, जो कि विंड है वो मूव करती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। इट कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बिफोर रीचिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड रेनफॉल टेक प्लेस इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, और जैसे जैसे सीजन बीतता जाता है रेनफॉल काफ़ी पार्ट के अंदर अपना जगह अपना लेती है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के अंदर, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रिट्रेट ऑफ द मॉनसून बोलते हैं। इन द सीजन अ लो प्रेशर इज डेवलप इन द बे ऑफ बंगाल, इस सीजन में जो लो प्रेशर होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, बे ऑफ बंगाल से डेवलप होता है, जो कि एक साइक्लोन को सर्व करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्रिंग रेनफॉल टू द कोस्टल एरिया, जो साइक्लोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेन लेके आते हैं कहाँ पे, एरियाज के अंदर, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब अपने चार सीजन के बारे में डिस्कस कर लिया, पहला आता है विंटर सीजन, जो कि कब से होता है, मिड नवंबर से लेके फरवरी तक, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि हमें जो सन की रेज है वो डायरेक्ट नहीं मिलती। सेकंड सीजन अपने ने पढ़ा समर सीजन, समर सीजन कम रहता है मार्च से लेकर मई तक, पर कई पार्ट के अंदर ये कब तक रहता है, जून के अंदर तक भी रहता है, और सबसे इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अपने को राजस्थान के कई पार्ट के अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो अपने को देखने को मिलता है कि वो अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। उसके बाद अपने ने पढ़ा कि रेनी सीजन क्या होता है, रेनी सीजन के अंदर जो सीजन अराउंड जून से सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, कि रेन ब्रिंग्स करते हैं ये सीजन, इसमें जो मूनसून होता है इसमें जो विंड होती है वो रिवर्सिबल चलनी स्टार्ट हो जाती है, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच में क्या होता है, जो अरेबियन सी ब्रांच होती है वहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और जो बे ऑफ बंगाल में भी जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। रिटर्निंग मॉनसून, इसको रिटर्निंग मॉनसून इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मॉनसून को वापस लेके जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा अपने ने, रिटर्निंग मॉनसून रखा, जो कि अक्टूबर से लेके नवंबर तक चलता है। अब लास्ट टॉपिक रह गया वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी पार्टिसिपेशन, जो क्लाइमेट होता है इंडिया का, जैसे आप लोगों को भी पता है जो इंडिया का क्लाइमेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहता है हर कंट्री के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, लोगों को जो टेम्परेचर होता है डिफरेंट डिफरेंट फेस करना पड़ता है। जैसे समर में टेम्परेचर रहता है जैसलमेर में अराउंड 50 डिग्री, पर जो जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब जैसे जो मैसूरन है जो कि शिलोंग के अंदर है, वहाँ का भी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, कई प्लेसेस में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और कई प्लेसेस में रेनफॉल होती है बिल्कुल ही नहीं होती, जैसे कि थार डेजर्ट में आप मान लो वहाँ पे, और जैसे लद्दाख में मान लो जो रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसलिए कहते हैं कि जो अपना टेम्परेचर है इंडिया का यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज होता रहता है मानसून। इसके साथ साथ जो मानसून है वो भी चेंज, मतलब जो मानसून है वो भी किसी में कंटिन्यू नहीं चलता, कई जगहों पे तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से फ्लड कॉज हो जाती है, पर कई जगहों में इतनी कम बारिश होती है कि वहाँ पे सूखापन आ जाता है, और लोगों के साथ मतलब इसके टेम्परेचर के साथ साथ जो लोगों का लाइफस्टाइल होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो बाहर के गोवा के एरियाज़ के लोग होते हैं वो ठंड में भी वुलन क्लॉथ्स नहीं पहनते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग है, और कश्मीर वाली साइड देखोगे तो वहाँ के लोगों का जो विंटर मतलब इतनी ठंड होती है कि उनको इतने इतना कुछ पहनना पड़ता है। ये सब किसकी वजह से है, अपने इंडिया के क्लाइमेट की वजह से है। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और उसके साथ साथ जो आपका एसएससी का सिलेबस था वो भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आपको इससे रिलेटेड सभी चैप्टर से रिलेटेड की बुक साथ के साथ मिल ही रही है, तो आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।